सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी किरण और आप आज हैं पीनिया शाला में, जहाँ पे आज हम जानेंगे मिस्टर मनोहर शर्मा के बारे में। ये बीते 8 वर्ष से योगा ट्रेनर है। खासियत ये है कि स्पेशली जो ओल्ड लेडीज़ है, जेंट्स है, तो उनको वो योगा सिखाते हैं। ज़्यादा देर किए बिना हम उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। सर, क्या क्या मुश्किलें आपको झेलना पड़ती है जब आप ऐसे योगा सिखाते हैं? देखो, ये हम जो योगा सिखाते हैं ये हास्य योगा है। योगा भी करते हैं, योगा के साथ साथ में हास्य भी जरूरी है, क्योंकि आजकल लोगों ने हंसना छोड़ दिया है, हंसना भूल गए हैं लोगों को चेहरे में मुस्कान नहीं रहती। आप एक हंसी देख करके किसी भी चीज़, मतलब किसी से भी जो है, आप बहुत कुछ पा सकते हैं। हंसी जो है वो बहुत कारगर चीज़ होती है। तो उसी की जगह मतलब हास्य योग और योगा के दोनों को जोड़ करके ये हमने बनाया है हास्य योग क्लब। क्यों आपने चालू किया, आपको क्या ऐसा लगा जिसकी वजह से आपने ये चीज़ को स्टार्ट किया? इसमें प्रेरणा स्रोत जो है मेरी माता जी हैं। मेरी माता जी को मैं बचपन से देखते आ रहा था। वो सुबह डेली उठ करके अपना कुछ ना कुछ मॉर्निंग वॉक वगैरह करती थी वो, और उस बीच में उनको घुटने में और कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने एक्सरसाइज और योगा करती रही वो, उसके वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हुई। तो मैंने भी सोचा, मेरी अभी उम्र जो 30 साल की है, यदि मैं 30 साल से अपने को मैं 1 घंटा मैं अपने योगा में दे दूँ, शरीर के लिए दूँ, तो शायद मेरे बुढ़ापे में ये तकलीफ मुझे ना आए। ये मुझे प्रेरणा स्रोत उनसे मिली, तो इसीलिए मैं जो भी मुझसे मिलता है, जो भी लेडीज़ मिले या जेंट्स मिले, मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि भी आपकी उम्र 30 हो गई है तो आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा भी नहीं तो आधा घंटा के लिए आप स्वार्थी बन जाओ। इसमें स्पेशली आप जब ओल्ड पीपल को जब करवा रहे हैं तो किन किन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ता है? उनमें दिक्कतें काफ़ी होती हैं। अब मेरे साथ में जो जितनी भी महिलाएँ हैं मेरे क्लब में, कम से कम अभी 35 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। उन 35 महिलाओं में से सारी 35 महिलाएं तो डेली नहीं आ पाती हैं, कम से कम किसी दिन 12, 20, 21 ऐसी आती हैं। अब उनकी क्या 60 प्लस हो चुकी है, हर किसी के शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो उस कारण से आ नहीं पाती। फिर भी बहुत कोशिश करती हैं महिलाएं वो भी आने की, तो वो आती हैं हमारे पास में। ऐसी कई महिलाएँ आती हैं जो अब 60 प्लस वाली सब महिलाएँ तो कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, डिप्रेशन में रहती हैं। उनको वहाँ से मुझे जानकारी मिलती है कि भैया फलानी महिला है ऐसा ऐसा है, तो हमारी टीम उनके पास जाती है, उनसे बोलती है भैया आप आइए, आप अब हमारे हास्य क्लब में आइए, आप देखिए, जुड़िए, आपको उनको क्या बेनिफिट मिलता है। तो उसमें से हम मान लो 10 महिलाओं के पास जाते हैं तो 2 महिलाएं हमारे पास आती हैं। और सर, इसके अलावा बेसिकली जब आप योगा से करवा रहे हैं तो उनको पर्सनली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा उसमें और क्या फ़ायदा इनमें देखने को मिला, आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं इसके बारे में? मेरे पास जो महिलाएं आती हैं वो सब 60 प्लस में थी और सब डिप्रेशन में आती है, किसी घर में अकेली बैठी हुई हैं, अब उनके बच्चे हैं, बहू हैं, सब ड्यूटी जॉब में सब चले गए, वो घर में अकेले बोर हो जाती हैं। तो वो आकर हमारे क्लब से जब जुड़ी हैं तो उनके में मतलब शरीर में और मन में इतना मतलब ताजगी आ जाती है उनके में, तो अविश्वसनीय है वो। कई महिलाएं तो ऐसी आती है जिनको गार्डन में हाथ पकड़ के लेके आया गया है, आज वो अपने से 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल लेती है। सो थैंक यू सो मच सर ये जर्नी शेयर करने के लिए, एंड मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिला होगा, और जो कुछ ना कुछ कारणवश ये सोच करके रह जाते हैं कि काम इतना ज़्यादा है, सर अपने काम देखने के बावजूद भी, अपना जो बिजनेस है वो सारे को संभालने के बावजूद भी, वो समय निकाल करके दिन में सुबह सुबह ही सही 1 या 2 घंटा वो बीते 8 वर्षों से लगातार वो देते आ रहे हैं स्पेशली हर एक महिलाओं को, तो ये हम सबके लिए एक प्रेरणादायक सूत्र है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर, और पीनियाशाला आपको आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद, थैंक यू।